कभी उसने हीरो की चकाचौंध बिखेरी थी, फिर उसने हिंदुस्तान को चूना लगाया और अब वो 3 साल से साउथ वेस्ट लंदन के वांड्सवर्थ जेल में कैद है। नाम है उसका नीरव मोदी। इस नीरव मोदी का इंतजार भारत की जांच एजेंसियां 4 साल से कर रही हैं, लेकिन ब्रिटेन में अदालती दाव पेज का इस्तेमाल करके ये अब तक भारत आने से बचता रहा है। अब लंदन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की अर्जी को खारिज करते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण करने का रास्ता साफ कर दिया है। नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 और प्रत्यर्पण कानून 2003 के सेक्शन 91 के तहत अपनी मानसिक स्थिति का बहाना बनाकर चुनौती दी। नीरव मोदी ने अदालत में दलील दी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और डिप्रेशन में उसके खुदकुशी करने का भी खतरा है। हालांकि हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को काफी पुख्ता बताया और नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश को बरकरार रखा। अब नीरव मोदी के सामने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए नीरव मोदी को 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देनी होगी और बताना होगा कि उसकी अर्जी जनहित के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के लिए नीरव मोदी को हाई कोर्ट से ही प्रमाण पत्र लेना होगा कि नीरव का मुद्दा जनहित के लिए महत्वपूर्ण है। पास कई दरवाजे हैं जो वो खटखटा सकते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि यहाँ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आमतौर पर लॉयर्स ये सजेस्ट नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है। दूसरा रास्ता और दरवाज़ा ये है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जहाँ नीरव मोदी अपनी दरख्वास्त लगा सकते हैं। और तीसरा वो रास्ता जो विजय माल्या ने भी अख्तियार किया, पॉलिटिकल असाइलम का। पॉलिटिकल असाइलम और एक्सट्रेडिशन केस में एक अंतर है। एक्सट्रेडिशन केस पब्लिक के सामने होता है, प्रोसीडिंग्स सबके सामने की जाती है, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम कॉन्फिडेंशियल केस होता है। कौन करता है, किस बिना पर किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है। नीरव मोदी क्या रास्ता इख्तियार करते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त वो वांड्सवर्थ प्रिजन में हैं और मार्च 2019 से वही कैद। नीरव मोदी को राजनीतिक शरण नहीं मिले तो अब अदालती राहत के रास्ते तकरीबन खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हैं, ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार है, वैसे में 2003 के प्रत्यर्पण कानून के मुताबिक ब्रिटेन का कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी अब नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे सकता है। भारत सरकार जिस तरह नीरव मोदी को भारत लाने के लिए गंभीर है, ऐसे में नीरव मोदी का बचना आसान नहीं दिखता है। वैसे भी इसी महीने के आखिर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की प्रेसिडेंटशिप के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं, जहां ब्रिटेन के नए नवेले प्रधान PM मोदी की मुलाकात होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा कि नीरव मोदी कब भारत वापस आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।